उत्तर प्रदेश एसटीएफ के 25वें स्थापना दिवस के दिन मेरठ में एक दुर्दांत अपराधी को एनकाउंटर में एसटीएफ ने ही मार गिराया है। एसटीएफ ने यह ऑपरेशन मेरठ के भोला इलाके में किया है, जहां स्कॉर्पियो में सवार गैंगस्टर अनिल दुजाना को एक एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है। गौतम बुद्ध नगर जिले के बादलपुर में रहने वाला अनिल दुजाना करीब 60 मुकदमों में वांछित अपराधी था। वो एक हफ्ते पहले ही जेल से बाहर आया था, जिसके बाद उसको एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि बीते एक हफ्ते में अनिल दुजाना के ऊपर 2 मुकदमे और दर्ज किए गए थे। अनिल दुजाना पर यह आरोप था कि उसने एक व्यापारी से 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी। इसके अलावा उस पर पूर्व में 60 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे, जिसमें 18 मुकदमे हत्या के थे। अनिल दुजाना के बारे में भी पुलिस ने जो थ्योरी बताई है वो वैसी ही थ्योरी है जैसे तमाम अन्य एनकाउंटर्स में होती है। सूचना मिली कि मेरठ के भोला इलाके में अनिल दुजाना मौजूद है। पुलिस की टीम यहां पहुंची, उसे सरेंडर करने के लिए कहा तो अनिल दुजाना ने फायरिंग करके भागने की कोशिश की। फिर दिल्ली में रजिस्टर्ड ये स्कॉर्पियो गाड़ी जिसमें दुजाना सवार था, उसे चारों ओर से घेरा गया। दुजाना को फिर से सरेंडर करने के लिए कहा गया, उसने फायरिंग की, पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और दुजाना ढेर हो गया। लेकिन इस पूरे ऑपरेशन के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अलग चर्चाएं हैं। यह एनकाउंटर उस दिन हुआ है जिस दिन एसटीएफ का स्थापना दिवस है और उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव के पहले चरण के लिए वोटिंग हो रही है। अधिकारियों ने इस बारे में क्या कहा है, आइए सुनाते हैं। आज दिनांक 4 मई को अपराह्न लगभग 3 बजे मेरठ जनपद के जानी थाना क्षेत्र में भोला की झाल के पास एसटीएफ तथा बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। यह सूचना थी कि अनिल दुजाना नामक बदमाश, जो कि अभी कुछ दिनों पहले ही जेल से छूटा था, वो अपने साथियों से मिलने बागपत से मुजफ्फरनगर जा रहा है। इस सूचना पे हमारी स्पेशल टास्क फोर्स की टीम वहाँ मौके पे लगी थी और जब एसटीएफ टीम से आमना सामना हुआ तो उसने दूसरा रास्ता बदला और वहाँ उसकी गाड़ी टकरा गई। इसके बाद से बदमाशों की तरफ से फायरिंग हुई, लगभग 15 से 20 राउंड फायर बदमाशों की तरफ से हुई। प्रारंभिक सूचना के हिसाब से एसटीएफ की टीम ने भी फायरिंग की। इस फायरिंग में अनिल दुजाना घायल हुआ, इसकी बाद में मृत्यु हो गई। उत्तर प्रदेश के तमाम मुकदमों में वांछित रहे अनिल दुजाना का नाम प्रदेश के टॉप 10 माफियाओं में एक था। दुजाना के अंत के बाद तमाम लोगों ने यह कहा है कि सरकार ने इस बार अपराध को समूल नाश के रास्ते पर पहुंचा दिया है, लेकिन इसका भविष्य क्या है ये बात आने वाले वक्त में पता चलेगी। ये जरूर है कि विपक्ष इस एनकाउंटर में भी वैसे ही सवाल खड़े करेगा जैसे उसने विकास दुबे से लेकर अतीक अहमद तक किए थे। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।